मध्य प्रदेश सहित देश भर के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों राहुल गांधी के बयान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के नेता कड़ी आपत्ति जता रहे हैं। राहुल गांधी ने हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिया है उसकी घोर निंदा की जा रही है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हर बार देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ टिप्पणी करते हैं। हिंदू कोई जाति नहीं बल्कि जीवन पद्धति है। हिंदू समाज को मानने वाले इस देश में बहुसंख्यक हैं, उसके बावजूद इस तरह की टिप्पणी करना हिंदू धर्म का अपमान है। कांग्रेस की कठिनाई यही है, जैसे ही उनको लगता है कि वो कुछ कंफर्टेबल जोन में आ गए हैं या कुछ बेहतर स्थिति में आ गए हैं, वो देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां शुरू कर देते हैं। और वही राहुल गांधी जी ने एक बार फिर से किया है। बार बार ये बात स्थापित हो चुकी है कि हिंदू कोई जाति नहीं, एक जीवन पद्धति है और उसके मानने वाले इस देश में बहुसंख्यक हैं। और उसके बावजूद ऐसी टिप्पणियां करना एक तरह से देश की बहुसंख्यक आबादी और देश दोनों का अपमान है। वहीं विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को सदन की गरिमा को देखते हुए इस तरीके का बेबुनियादी बयान नहीं देना था, जिससे देश की सामाजिक समरसता और शांति भंग हो। कल हो गया सदन में, हमने जो कहा है उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि इस प्रकार की बेबुनियाद बात देश की सामाजिक समरसता और शांति भंग। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।